तो यहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टकट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट हर फॉर्म में नहीं है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे नीचे देखो, ये x टू द पावर n fx के फॉर्म में है। दिस इज x टू द पावर n fx। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो यहां पे क्या लगाते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं हम यहां पे, ठीक है। इस शॉर्टकट को हम बोलते हैं DI मेथड। डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। एफ एक्स स्पेशली ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर के एक्स या साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा और कोई जगह है ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। और जैसा कि हमें पता है, लाइक अगर एक क्वेश्चन आ गया एक्स टू द पावर एट, अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किसी ने पढ़ा हुआ है तो समझ रहे हो गए, तो इसमें ये काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, एट स्टेप्स लगेंगे इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे इसके लिए हम शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, तो यहां पे साइन ए एक्स हो सकता है, कॉस बी एक्स हो सकता है, ठीक है, ई टू द पावर एक्स हो सकता है, ई टू द पावर फाइव एक्स हो सकता है, एनीथिंग, ए ए बी कुछ भी हो सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या मेथड है ये, डी आई मेथड, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड। इसमें पहले तो हमें ये चीज पढ़ी हुई हमारी आईलेट, आईलेट के अकॉर्डिंग हम पहले फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करते हैं। एल्जेब्रिक इज द फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इज द सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इस मेथड को हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, ध्यान से देखो कैसे लगाते हैं। पहले हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। अगर याद हो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया जाता था, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर याद हो तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां पे एक काम करो कि एक्स की पावर फोर को तुम कंसेक्यूटिवली तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक वो जीरो ना हो जाए। तो फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स क्यूब के बाद ये क्या आ जाएगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, इसके बाद ट्वेंटी फोर एक्स, देन ट्वेंटी फोर, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स ही रहेगा। फिर माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब इसके बाद करते ये हैं, ये प्लस साइन के साथ होता है, दिस विथ माइनस साइन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ आता जाएगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर फोर कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स क्यू साइन एक्स, दिस इज ट्वेल्व एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर कॉस एक्स। तो फिर से एक बार देख लो यहां पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में पता होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया, सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं फर्स्ट पहले वाले पार्ट में ही। और इसके बाद हमने क्या करा, एक्स की पावर फोर को कंसेक्यूटिवली डिफरेंशिएट करते गए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो फोर एक्स क्यूब, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ट्वेंटी फोर एक्स, देन ट्वेंटी फोर, जब तक ये जीरो ना हो जाए। जीरो लिखने का मतलब नहीं था, इसको जीरो से मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस प्लस साइन बनाया, फिर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन बनाते गए, ठीक है। एक्स की पावर फोर के नीचे जो सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन लिया और फिर फर्दर उसको इंटीग्रेट करते ही गए बार बार, और करस्पॉन्डिंगली प्लस माइनस साइन बना के उनको मल्टीप्लाई कर दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यू साइन टू एक्स, तो ऑब्वियसली एक्स क्यूब एल्जेब्रिक फर्स्ट होता है,
ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड होता है, डीआई मेथड लगा देते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते जाओ, थ्री एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स, देन सिक्स, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है तुम्हारा साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो माइनस साइन, और 2x का 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, अब साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, तो ये हो जाएगा कॉस 2x डिवाइड बाय 8, एंड देन कॉस 2x का इंटीग्रेशन, कॉस 2x का क्या आ जाएगा साइन 2x, और ये वाला 2 डिवाइड होगा डिवाइड बाय 16। अब करस्पॉन्डिंगली इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करने से पहले यहां पे प्लस साइन, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस एक्स क्यूब बाय टू कॉस टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, प्लस सिक्स एक्स बाय एट कॉस टू एक्स, माइनस सिक्स बाय सिक्सटीन साइन टू एक्स। तो आई थिंक ये आइडिया क्लियर हो गया होगा, एक दो क्वेश्चन में खुद प्रैक्टिस करके देखो। अब लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी यही डीआई मेथड लगाएंगे, और एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड होगा, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है। अब इसको फर्दर तुम डिफरेंशिएट करते जाओ, 5x की पावर 4, 12x क्यूब, 60x स्क्वायर, 120x, 120, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x ही रहेगा हर बार, ठीक है। यहां प्लस साइन, यहां माइनस साइन, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो कैसे आएगी, एक्स टू द पावर 5 ई टू द पावर एक्स माइनस 5 एक्स टू द पावर 4 ई टू द पावर एक्स प्लस 20 एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स माइनस 60 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 120 एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 120 ई टू द पावर एक्स। अच्छा, इस मेथड की इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगी जब तुम अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके देखो, देखोगे इसमें वहां पे प्लस माइनस में गलती करते ही करते हैं, क्योंकि कई बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है तो प्लस माइनस में गड़बड़ आ ही जाती है। एक क्वेश्चन में और ट्राई कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक है, सेकेंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो डिफरेंशिएशन एल्जेब्रिक का होगा, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक का होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है, इसको फर्दर तुम डिफरेंशिएट करते जाओ, 12 एक्स स्क्वायर 24 एक्स एंड 24, आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या, साइन 2x, ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार अपने आप करने की कोशिश करना, क्या लिख लेंगे, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, कॉस 2x का साइन 2x डिवाइड बाई 4, फिर साइन 2x का आ जाएगा माइनस कॉस 2x, तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 8, कॉस 2x का फिर साइन 2x डिवाइड बाई 16, फिर इसका माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 32, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करके लिखते जाओ जो भी साइन है, तो आई थिंक याद हो गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप बना के भी सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक फॉर्म ये है, क्योंकि यहाँ पे भी ये डीआई मेथड लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाता है,
शॉर्टकट नहीं रह जाता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बार बार रिपीट होता है। ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अच्छा वैसे देखा जाए तो साइन बी एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इज द सेकेंड फंक्शन। इतना पार्ट तुम्हें यहाँ पे याद होना चाहिए, ये ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर ये वाला जो ए लिखा है वो यहां आ जाता है और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, माइनस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन इसको डिफरेंशिएट कर दो, साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस बी एक्स और बी का बी। तो इतना पार्ट तुम्हें याद रखना है यहाँ पे, और शॉर्टकट में बहुत ज्यादा लॉजिकली बातें नहीं बताई जा सकती, ठीक है। ये इतना याद रखो, ई टू द पावर ए एक्स आ गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी बना सकते हो अपने मन से, लाइक ई टू द पावर टू एक्स साइन सिक्स एक्स डी एक्स। तो सिंपली तुम्हें देखना है ए है टू, बी है सिक्स, ठीक है। तो ई टू द पावर ए एक्स एज इट इज लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर प्लस 36 लिख लिया। अब ए ए क्या है, टू साइन सिक्स एक्स माइनस बी क्या है, सिक्स कॉस सिक्स एक्स, सिंपल। तो अगर ये याद होंगे इस तरह के फॉर्मूले, और ऐसे इंटीग्रेशन में बहुत फॉर्मूले हैं, और अगर याद है श्योरली तो फिर बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हो। तो इसको नोट कर लो और याद कर लो, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ए तक याद करना पड़ेगा, यहाँ पे ए आता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज, ठीक है, माइनस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज देन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अदरवाइज तुम इसको ऐसे ही याद कर लो तो बेटर है, जैसे बहुत सारे फॉर्मूले याद हैं तो ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में एक फॉर्म ये भी है, यहां पे भी अगर देखा जाए तो दिस इज द सेकेंड फंक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। इतना तो आई थिंक याद हो जाना चाहिए, इसका पहला टर्म ए ई ए टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यहां तक ए लिख लो और जो भी फर्स्ट फंक्शन है वो लिख लो, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन अपने मन से ही बना सकते हो, लाइक ई टू द पावर थ्री एक्स कॉस फाइव एक्स डी एक्स। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक जगह प्रॉपरली नोट करो और रिवाइज करो, तब ये चीजें श्योर शॉट अप्लाई कर पाओगे एग्जाम में। तो दिस इज ई टू द पावर थ्री एक्स ए स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन, बी स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर 25। अब देखो बड़ा सिंपल है, ए ए मतलब थ्री कॉस बी एक्स प्लस बी बी मतलब फाइव साइन बी एक्स मतलब साइन फाइव एक्स। तो दिस इज द आंसर, प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमेशा ही आता है के। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और ऑब्जेक्टिव में तुम्हें याद ही होने चाहिए, तभी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। ई ए टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और इसी की जगह अगर कॉस है तो सिंपली बीच में प्लस साइन आ जाता है, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज ई टू द पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है।
नाउ इसी के साथ एक फॉर्मूला ये भी देख लेते हैं, याद कर लो क्योंकि इसको करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी ई टू द पावर एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन ये आता है 1/2 ए बाई सी प्लस बी बाई डी एक्स प्लस ए बाई सी माइनस बी बाई डी लॉग, बेस में ई है और ये डिनोमिनेटर आ गया पूरा सी ई टू द पावर एक्स प्लस बी प्लस डी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस के। इस तरह के काफी सारे फॉर्मूले हैं जो आगे धीरे धीरे करके हम लोग डिफरेंट वीडियोस में के थ्रू कवर करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम काफी लगता है। इसी फॉर्मूले पे बेस इस क्वेश्चन को एक बार खुद अटेम्प्ट करके देख लेना। दिस द क्वेश्चन बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में अब कुछ और शॉर्टकट देखते हैं इंटीग्रेशन के।